जाने क्या थी ड्रामा के पट्टे पर सदा पक्की अचल अडोल अवस्था मम्मा के विशेषताओं में ये मुख्य विशेषता थी। कहते हैं जो इशारों से समझ जाए वो देवता। बाबा की हर बात को हमारी प्राण प्रिय मातेश्वरी जी सेकंड में समझ जाती थी और उसे कर्म में ले आती, चाहे वह बात स्वयं में धारण करनी हो या बच्चों को सिखानी हो। मम्मा बहुत सहज कर लेती थी, दृष्टि से सब कुछ सिखा देना, इसमें मम्मा निपुण थी। एक बार एक बहन ने मम्मा से पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? मम्मा पहले शांत रही, फिर बोली, सब ठीक है। फिर थोड़े समय में इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित पर रखती हो? उसे दिन से उस बहन ने पक्का कर लिया कि अब किसी का अवगुण चित पर नहीं रखना। शांत चित, उदार चित तब बनेंगे जब चित अर्थात मन साफ होगा। योग बल क्या होता है यह मम्मा से सीखा। किसी ने भी धारणा कैसे करानी है इसकी परख मम्मा को बहुत अच्छी थी। उन दिनों की बात है जब मम्मा के शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, पर मम्मा को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि मम्मा तन से बीमार हैं। मन के ऊपर शारीरिक तन का कोई प्रभाव नहीं। मम्मा हमेशा अपने नोट्स, बाबा की मुरली बार बार पढ़ती थी, टेप भी सुनती थी, चाहे रात को 11 ही क्यों न बज जाए, फिर भी मुरली का नियम जितनी बार पढ़ना है वो पक्का था। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, कहें नंबर 1 आज्ञाकारी बच्ची थी। चाहे कुछ भी हो जाए अचल अडोल रहने वाली, किसी के भी शरीर छोड़ने का समाचार सुनाओ तो कहती थी, अच्छा ड्रामा। एक बार मम्मा बैंगलोर गई थी, वहां के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला, तो आते हुए सभी की आंखें भर आई
परंतु मम्मा उसी अचल अडोल अवस्था में रही। फिर मम्मा पूना भी गई, वहाँ बच्चों से मिली, समय बिताया। कुछ भाई बहनों ने पूछा, मम्मा आप हमें भूल जाएंगी? मम्मा सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन कभी भी किसी बात से विचलित नहीं होती। ऐसी मीठी प्यारी मम्मा की स्थिति सदा एक रस रहती थी।